नमस्कार, प्रणाम, राम राम। मैं आपका अमित चौधरी, हरियाणवी लोक गायक या ब्लॉगर भी कह सकते हो। तो दोस्तों, आज फिर निकल चुकी है गाड़ी और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये एक सस्पेंस बना रहेगा आपको। मेरे को खुद नहीं पता कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ, अभी हम नीम राणा से नोएडा जा रहे हैं और नोएडा से हम मेरा पसंदीदा डेस्टिनेशन है गोवा, और गोवा का ये पीक सीजन है। गोवा गोवा के बाद भी बहुत पूरे भारत का भ्रमण मैं कराने जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं, वाइट बैग है साथ में, अच्छा मम्मा भी है, मैंने देखो क्या कर रखा है। साथ में राम जी से, और साथ में मम्मी पापा भी रहेंगे, और ये ब्लॉग जो रहेगा, टूर रहेगा, मम्मी पापा के साथ रहेगा। चलिए बने रहिए, चलते हैं। और अब हम निकल चुके हैं नीम राणा से नोएडा की तरफ। ग्रेटर नोएडा हम लगभग 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद आज हमारा म्यूजिक का भी एग्जाम है, वो एग्जाम होगा, और उसके बाद फिर कुछ मीटिंग्स है, उसके बाद फ्लाई टू गोवा। ओके, बने रहिए, चलिए चलते। अब हम NH8 पे चढ़ेंगे, देखिए रास्ता। ये रास्ता यहाँ पे काफ़ी सालों से ऐसा ही है, लेकिन इससे फायदा है कि हम आधा किलोमीटर घूमने से बच जाते हैं। सामने आप देख सकते हैं, सामने हाईवे है, थोड़ा सा टूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बारिश हुई है कल, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है, और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है नीमराणा में। लगभग अभी 11 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, और उसके बाद हम लोग ये NH8 हाईवे पे आ गए हैं, जो कि दिल्ली से जयपुर राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। और सामने पहाड़ी, बहुत अच्छा सीन, यहाँ का व्यू है, बहुत अच्छी जगह है, कभी आप आओ तो जरूर आना। मैं अभी पिछले दिनों नीम राणा फोर्ट गया था, तो नीम राणा फोर्ट में मेरा स्टे था, बड़ा मज़ा आया, लगा कि दुनिया में, देश दुनिया में घूमा, लेकिन ऐसी जगह, ऐसी डेस्टिनेशन कहीं कहीं मिलती है देखने को, और वो बिल्कुल मेरे बगल में है, बगल में छोरा शहर में डिंडोरा, वो वाला काम हो गया। अब हम दूसरे रोड पर जाएंगे जो जयपुर से दिल्ली की तरफ जाता है, अंडरपास से मैंने पार कर लिया है, और अब चलते हैं, देखते हैं कहाँ क्या होता है, अच्छे अच्छे मोमेंट्स आपको शेयर करता रहूं। साथ में छम्मा है, और साथ में लकी भाटिया, और साथ में भाभी और पापा जी। हेलो कर दो, हेलो हेलो, टाटा कर, टाटा टाटा टाटा। चलिए चलते हैं। ओए भाभी, हेलो, हाय हाय बेटा, हाय कर दी। ये नीम राणा का टोल है, टोल को पार कर रहे हैं। आज टोल वालों ने टोल ले लिया, एकदम ना कुछ बोला, सकल निकलो, जाओ जी जाओ। एक्चुअल में डिस कर लेता हूँ, हाँ, एक्चुअल में मैंने फास्टैग गाड़ी में लगवाया नहीं है, लेकिन फास्टैग लिया हुआ है, मैंने ड्रॉज में फास्टैग रखा हुआ है, और कहीं तो मुझे देख के टोल लिया ही नहीं जाता, प्रोटोकॉल की दृष्टि से या फिर मान सम्मान, कैसा भी कुछ भी समझ लीजिए, और कहीं कहीं देना पड़ता, कोई नहीं पहचानता। तो अव्वल तो मैं कहीं बोलता नहीं हूँ कि मैं अमित चौधरी हूँ, मैं केवल देख लेता हूँ पहले, और अगर कोई पहचान लेता है तो फिर बात बनी जाती है, अगर कोई नहीं पहचानता तो फिर तो फास्टैग को निकाल के और आगे शीशे के लगा देता हूँ, कट जाता है, नहीं बच जाता है। खैर चलो, ये भी एक अलग ही अनुभव रहता है, अच्छा लगता है। चलिए अब चलते हैं, अब मैं ड्राइविंग करूँगा डॉम, तो इसलिए आप बने रहना पूरे ब्लॉग में, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँगा। अभी मेरे पास दवाइयाँ हैं कुछ, मेरे दोस्त है एक पंकज यादव डॉक्टर, उनकी वाइफ की दवाई मैं जयपुर गया था, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं जयपुर जाऊंगा, टाइम लगेगा, मौसम ख़राब है, सर्दी का टाइम है, तो आप दवाई लेके आ जाना। तो मैं उनकी दवाइयाँ लेके, मैं उनके जो उनका स्वास्थ्य केंद्र है, वो भी डॉक्टर है, वहाँ पर दवाई देने जाऊँगा पहले, फिर उसके बाद निकलूँगा नोएडा। अब भविष्य सोच रहे हैं मेरी गोद में आने का,
बेटा तू ऐसे ऐसे कैसे कर रहा है तू? गाड़ी बता, मैं एक हाथ से क्या कर रहा हूँ, एक हाथ से तुझे पकड़ रहा हूँ, हैंडल कौन पकड़ेगा? स्टीयरिंग लो जी, लो लो साहब, लो लो साहब, अपने आप आ गए तो पकड़ना। रुक जाओ जी, रुक जाओ, रुक जाओ जी, रुक जाओ, ऐसे बैठ जाओ फिर, ऐसा ठीक है अब, ओके चलो, ओके चल। हेलो एवरीवन, और अब मैं निकल चुका हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम लोग ग्रेटर नोएडा से अब जा रहे हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 3, और वहाँ से हमारी 10:55 पे एयर इंडिया की फ़्लाइट है गोवा के लिए, जो हमारी यात्रा 2 घंटे 25 मिनट में तय करेगी। और अभी फादर साहब हेलो कर दो जी। हेलो मम्मी। हेलो। हेलो। ये जो बीच में बैठा ये आदमी तो नहीं जा रहा आपकी बार में, क्योंकि पिछली बार ये इसने दो दो टिकट उड़वाती थी मेरी। तो आपकी बार हम चारों ही जा रहे हैं। खैर बने रहे ना, पूरे ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ देखेंगे जो पहले ब्लॉग में देखा उससे कुछ अलग हटके चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, बोर्डिंग पास ले रहे हैं, एयर इंडिया की हमारी फ्लाइट है और युवराज जी हमें मिल गए। हेलो युवराज जी, अचानक से मिल जाते हैं सडनली, मैं भी जा रहा हूँ और ये भी, और मुझे देखो कितना बड़ा चमत्कार, ये भी गोवा जा रहे हैं और एयर इंडिया से जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट से जा रहे हैं। लकीली मिल गए हम दोनों, कहीं ना कहीं भगवान मिलाते रहते हैं ना। सही बात। अगला टूर हम विदेश का साथ ही बनाएंगे। थैंक यू। ये हमारा अंतर्राज्यीय डोमेस्टिक प्रस्थान है और हम लोग अब चल पड़े हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, चलते जहाज में बैठते। और अब जहाज में हम जहाज में जा रहे हैं, अब जहाज उड़ेगा 10:55 पे और 2 घंटा 40 मिनट के अंतराल में जहाज हमें छोड़ देगा गोवा, उसके बाद फिर हम अपने तरीके से आपको दिखाते रहेंगे। चलिए चलते। फाइनली हम बैठ चुके हैं और युवराज जी और हम दोनों, ये चौड़ी सीट है, आपातकालीन सीट होती है, हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। ये सीट 1000 रुपये महंगी होती है, लेकिन हमने सस्ती सीट ली है और हमें पता है हम ऐसे करते 1000 रुपये बचाते दोनों भाई। और छम्मा मम्मी पापा आगे बैठे हुए, अब जाता हूँ मैं उनके पास में। चलो कर लो, कर लो, ठीक है, ओके कर लो, बात कटाओ, ओके। अब हम जहाज में बैठ चुके और अब गोवा उतरेंगे, तब से भाग नंबर 2 शुरू होगा, अगला भाग जरूर देखना। ये पार्ट आपको कैसा लगा आप में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।